नमो नमः प्रिय छात्रों शास्त्रीय तृतीय वर्ष की कक्षा में आप महाभाष्य के प्रशासनिक विषय में अथ शब्दानुशासनम शब्द का स्वरूप जैर्णोच्चारित शासनालांगुलखुर नाम सम बहुत स शब्द यह स्फोटात्मक जो शब्द का स्वरूप है और अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दितुच्यते इत्यादि जो ध्वनियात्मक जो शब्द का स्वरूप है इसको आपने पढ़ा उसके बाद शब्दानुशासन के मुख्य जो रक्षो आगम लग्व संदेहा प्रयोजन जो पांच मुख्य प्रयोजन थे और तेसुरा इत्यादि जो तेरह ते गौणव प्रयोजन थे उसको पढ़ा उसके बाद शास्त्र निर्माण पद्धति को आपने जाना उसके बाद किम पुनराकृति पदार्थ आवश्यक द्रव्यम उसके बाद सिद्धे शब्दार्थ संबंधे फिर धर्म नियमाधिकरण फिर शब्द से ज्ञाने धर्म आवर्षित प्रयोगे शब्द से ज्ञाने धर्म आवर्षित प्रयोगे में शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन इसको भाष्यकार ने सिद्धांत किया तथा तो ज्ञाने धर्म इसको भी सिद्धांत किया तो तथा तो प्रयोगे धर्म याज्ञ कर्मणि प्रयोगे धर्म इसको भी महाभाष्यकार ने सिद्धांत किया ये सब बातें आप पंद्रह तीन दो हजार बीस तक ऑफलाइन कक्षा में साक्षात कक्षा में आपने इन सब विषयों का अध्ययन कर कर लिया अब बचा हुआ जो दो मुख्य प्रश्न हैं अथ व्याकरणम इत्य कह पदार्थ तथा अथ किमर्थोवर्णा नाम उपदेश ये दो मुख्य प्रश्न बचे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में उसमें आज मैं अथ व्याकरणम इत पदार्थ इस विषय को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं और ध्यान पूर्वक आप लोग इस विषय को सुनेंगे तो आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा कि व्याकरण पदार्थ है क्या सबसे पहले महाभाष्यकार ने प्रश्न किया अर्थ व्याकरणम से कह पदार्थ व्याकरणम इस शब्द का अर्थ क्या है व्याकरणम इस पद का अर्थ क्या है इस प्रश्न के मूल में यदि हम जाना चाहें तो भाष्यकार ने ऐसा प्रश्न क्यों किया तो भाष्यकार ने प्रश्न इसलिए किया क्योंकि इसके पहले ब्राह्मण निष्कारणो धर्म षडअो वेदोध्योगेयश्च प्रधानम षट सुअे सु व्याकरणम तस्मात्म व्याकरणम बार बार भाष्यकार ने व्याकरण का शब्द का उल्लेख किया व्याकरण शब्द के उल्लेख करने के कारण यह जिज्ञासा स्वयं उत्पन्न होती है कि व्याकरण व्याकरण जो बार बार भाष्यकार कह रहे हैं वो व्याकरण पद का अर्थ क्या है इस बात को हमें समझना चाहिए तो भाष्यकार ने जो स्वतः छात्रों के मन में व्याकरण पदार्थ जानने की जिज्ञासा हुई उस व्याकरण पदार्थ की जिज्ञासा का शमन करते हुए महाभाष्यकार ने स्वयं प्रश्न का उद्भावन किया अर्थ व्याकरणम इत्य कह पदार्थ इस प्रश्न का इसका समाधान देते हुए भाष्यकार ने तुरंत कहा कि सूत्रम अर्थात व्याकरण पद का अर्थ है सूत्र क्योंकि जहां कहीं हम भी कहते हैं कि व्याकरण के द्वारा शुद्धि उपास्या की सिद्धि होती है तो व्याकरण सूत्र के द्वारा शुद्धि उपास्या की साधुता होती है तो इसका मत इससे पता चलता है कि व्याकरण सूत्र है लेकिन सूत्र को व्याकरण मानने में भाष्यकार ने दो दोष दिया पहला दोष दिया कि यदि व्याकरण को हम सूत्र मानेंगे तो रूप दोष होगा ये पहला दोष है दूसरा दोष दिया शब्दा प्रतिपत्ति रूप दो दोष सूत्र को व्याकरण मानने में है एक शब्दा प्रतिपत्ति रूप दूसरा दोष आइए हम पहले षरता रूप दोष को समझते हैं ये दोष है क्या रूप दोष का मतलब है कि ष्ठी के अर्थ की अनुपत्ति होगी ष्ठी के अर्थ की अनुपत्ति कहाँ होगी तो कहें हम प्रयोग करते हैं व्याकरणस्य सूत्रम यह प्रयोग होता है इको एज किसका सूत्र है तो व्याकरणस्य सूत्रम वृद्धिरादेश किसका सूत्र है तो व्याकरण से सूत्रम व्याकरण का सूत्र है तो व्याकरण से सूत्रम ये हम प्रयोग करते हैं अर्थात व्याकरण का सूत्र है ये प्रयोग सर्वानुभव सिद्ध है कहा व्याकरणस्य सूत्र में जो व्याकरणस में षठी है वो ष्ठी के अर्थ की अनुपत्ति होगी ष्ठी किस अर्थ में होती है तो ष्ठी भेद अर्थ में होती है कारक प्राप्तार्थ व्यतिरिक्त स्वस्म भाव संबंध सेस जहां पर हम जहां कहीं भी ष्ठी करते हैं शेष अर्थ में सृष्टि करते हैं और शेष शेष अर्थ क्या है तो शेष अर्थ को बताते हुए सिद्धांत कौमदी के मूल में लिखा कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध शीशा कारक और प्रातपदिकार्थ से अतिरिक्त जो स्वस्वामी भाव आदि संबंध है उसको शेष कहते हैं स्वस्वामी भाव संबंध वो दुष्ट होता संबंध दृष्ट होता है जैसे राज्य पुरुष यहाँ पर षष्ठी की गई है राज्य में स्वशाम भाव संबंध अर्थ में ष्ठी की गई है तो अब ध्यान दीजिए कि राज्य में षठी की गई है तो राग्या, राजा का पुरुष तो राजा का पुरुष एवं जब हम प्रयोग करते हैं राज्य पुरुष माने राजा का पुरुष तो राज्य में ष्ठी की गई तो राजठी की गई है तो राजा अलग है पुरुष अलग है राजा पृथक और पुरुष पृथक तो दोनों अलग अलग हैं, भेद यहाँ पर भेद है और भेद अर्थ में ष्टी होती है जहां कहीं भी ष्ठी की जाती है वहां सब जगह भेद अर्थ होता है तो व्याकरण से सूत्र यहां पर भी जिस प्रकार से राजा का पुरुष राज पुरुष राजा का पुरुष तो राजा अलग है पुरुष अलग है उसी प्रकार से व्याकरण से सूत्र में व्याकरण अलग होगा और सूत्र अलग होगा तब व्याकरण से सूत्र में प्रयोग किया जा सकता है तो व्याकरण ही जब सूत्र को ही व्याकरण बना दिए तो व्याकरणम सूत्रम ऐसे प्रयोग की आपत्ति हो जाएगी व्याकरण सूत्रम ये प्रयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि व्याकरण ही सूत्र है व्याकरण कोई ऐसा अलग पदार्थ नहीं है जिसका ये संबंधी सूत्र हो जाए इसलिए व्याकरण सूत्रम यहाँ जो षी व्यक्ति की गई है इस ष्ठी व्यक्ति का जो अर्थ है भेद रूप अर्थ उसकी अनुपत्ति हो जाएगी वो षी ष अर्थ की उसी सस्थ, इसी अर्थ की अनुपत्ति को बताते हुए भाषाकार ने कहा कि सूत्र व्याकरण ष्ठर्थो नोप पद्धति सूत्र को यदि व्याकरण हम मानेंगे तो ष्ठर्थ की अनुपन अनुपत्ति होगी व्याकरण से सूत्र कोई अलग नहीं है जिसका यह सूत्र हो जाए व्याकरण अलग होता सूत्र अलग होता जिसका यह सूत्र होता तब तो हो सकता था जैसे शरीर है शरीर का हाथ तो शरीर समुदाय का अवयव हाथ में हुआ हाथ हुआ तो में यहां पर सृष्टि की गई है तो ष्ठता अनुपति रूप दोष इस प्रकार से होता है अर्थात व्याकरण सूत्रम यहां पर षष्ठी व्यक्ति की संगति नहीं दिखाई पड़ती यदि सूत्र को व्याकरण मानेंगे तो दूसरा दोष दिया कि यदि व्याकरण को व्याकरण सूत्र को मानेंगे सूत्र यदि व्याकरण होगा तो सप्ताह प्रतिपत्ति रूप दोष प्राप्त होता है सप्ताह प्रतिपत्ति रूप दोष का मतलब है एक हम और प्रयोग करते हैं स्त प्रयोग करते हैं साधु प्रयोग करते हैं व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे। व्याकरण से हम शब्दों का प्रतिपादन करते हैं तो व्याकरण से शब्दों का प्रतिपादन होता है शब्दों का प्रतिपादन किससे होता है व्याकरण से होता है व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्या व्याकरण से हम शब्दों को जानते हैं कुद्धी उपादशाह ये जो शब्द है इसको कैसे जानते हैं कि साधु है कि इको एणच से हम जानते हैं व्याकरण से हम शब्दों को जानते हैं तो कहे भैया केवल इको एणच सूत्र से ही आप शुद्ध उपास्य को साधु जान जाओगे नहीं जान सकते यदि सूत्र को व्याकरण मानोगे तो व्याकरणात् सूत्रांत शब्दान प्रतिपद्या में माने व्याकरण से हम शब्दों को जानते हैं माने व्याकरण हुआ सूत्र तो सूत्रात शब्दान प्रतिपज्ञा में सूत्र से हम शब्दों को जानते हैं कहे केवल सूत्र से सूत्र सुन लिए उससे शुद्ध बादशाह को साधु जान जाओगे क्या नहीं जान सकते केवल सूत्रों से आप शब्दों को शब्दों की साधुता को नहीं जान सकते तब किससे जानोगे तो व्याख्यान से कहे भैया व्याख्यान है क्या चीज के व्याख्यान तो हम इको सूत्र है तो इकह यण अची ये जो चर्चा पद है विक्रही जो पद है इसी को व्याख्यान कहते हैं तो इकह यण अचि ये जो व्याख्यान है इससे हम शब्दों को जान लेंगे तो कि नहीं जी इको अची इकह यण अचि इस विक्रहीत पद से ही केवल आप जो है शब्दों को नहीं जान पाएंगे तब कैसे जानेंगे तो कहे कि हम जो है व्याख्यान से शब्दों को जानेंगे क्या व्याख्यान तो वही विगृहित तो पद हैं क्या विगृहित तो पद ही व्याख्यान होते हैं ऐसा नहीं कह सकते व्याख्यान कहते किसको है तब कह व्याख्यान कहते हैं उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्यात समुत्तम व्याख्यानम भवती उदाहरण होता है किसी सूत्र का उदाहरण जैसे ही कोई अण सूत्र है उसका उदाहरण शुद्ध उपास्य मध्वरी इत्यादि जो है उससे हम तब जा करके के हम इक्वेज को अच्छी तरह समझेंगे तब उसके उदाहरणों को भी जानेंगे उदाहरण उदाहरण का मतलब हुआ प्रत्येक सूत्रों का प्रत्येक सूत्रों सु, सु, में विद्यमान जो पद हैं उन पद की सार्थकता जैसे इक्वेज सूत्र में एकीकरण क्यों किया यदि इक्वनस सूत्र में एकीकरण नहीं करते तो कभी या इक्वन सूत्र में एकीकरण नहीं करते तो वाघ है तो वाघ धन ईस तो यहाँ वाक धन ईसाह से पर में हुआ ईसा का ही और हम जो है इक नहीं रखते तो अज पर में हो तो किसी को भी यण हो जाता वाक में जो क है उसको भी यहाँ आपत्ति होने लगती पर में होने पर तो इसलिए इक रखा हुआ है तो एक वाग इसा? ए क्या है प्रत्युदाहरण उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्यार किसको कहते हैं क्या वाक्याध्यार का मतलब हुआ वाक् घटक जो पद हैं उन पदों का स्वरित्व प्रतिज्ञा के द्वारा अध्याहार को वाक्याध्यार कहते हैं का मतलब हुआ सूत्र में गृहमाण जो पद हैं उन पदों को पदों का अन्य सूत्रों में स्वरित्व प्रतिज्ञा के द्वारा अध्यार करना वाक्याध्यार कहलाता है जैसे उपदेशे अजनुनाशिकित इस सूत्र में उपदेशे और इत पद है हलन्तम सूत्र में उपदेशे और इत पद को हमको अनुवृत्ति के द्वारा अध्यार करना है तो इसमें स्वीतत्व प्रतिज्ञा के द्वारा हमको जो है क्या करेंगे, तो करेंगे या कि इनका जो है अध्यार कर लेंगे तो उपदेश और इतपदा हल में भी चला आया एक बात दूसरी बात जैसे प्रत्यय सूत्र है परश्च है तो प्रत्यय अपरश्च सूत्र इनको जो है स्वरित्व स्वरित चिन्ह लगा करके स्वरित सूत्र है तो स्वरित चिन्ह लगा करके तब अधिकार होता है तो स्वरित चिन्ह इन प्रत्यय अपरस् में लगेगा धातु सूत्र है प्रातपदिकात है न्या प्रापिकात है उन सारे में स्वरित स्वरितधिकार सूत्र के द्वारा स्वरित चिन्ह लगा करके तब अधिकार जानना चाहिए तो पचमें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम तक इनकी ये जाएंगे तो इसको कहते हैं वाक्या चरित्र प्रतिक्रिया के द्वारा वाक्य घटक जो पद है उनकी अनुवृत्ति करना है जो है वाक्याधार करना है उनका अध्यार उनको लाना वाक्याधार कहलाता है तो उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्यार ये सब मिलकर के व्याख्यान होते हैं और व्याख्यान से ही हम शब्दों को जानते हैं केवल सूत्र से हम शब्दों को नहीं जानते हैं तो व्याकरणात शब्दान प्रतिपद्या माने यदि को व्याकरण मानेंगे तो 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 शब्दान शब्दान व्याकरण सूत्र से हम शब्दों को जानते हैं तो केवल सूत्र से शब्दों को जानते हैं क्या तो इसी को कहते हैं शब्दा प्रतिपत्ति माने व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्या शब्द की प्रतिपत्ति हम करते हैं व्याकरण से अब वो प्रतिपत्ति व्याकरण से नहीं हो पाएगी क्योंकि व्याकरण से प्रतिपत्ति होती है लेकिन सूत्र मात्र से प्रतिपत्ति नहीं होती है तो ये दोष भाष्यकार ने सूत्र को व्याकरण मानने में दिया यदि सूत्र को व्याकरण मानेंगे तो ष्ठर्थानुपत्ति रूप पहला दोष व्याकरण से सूत्र में षर्थ दोस। की अनुपत्ति होगी और शब्दा प्रतिपत्ति रूप दूसरा दोष शब्द की अप्रतिपत्ति प्राप्त होगी व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्या नहीं हो पाएगा क्योंकि केवल सूत्र से हम शब्दों को नहीं जानते अपितु तो व्याख्यान से जानते हैं और व्याख्यान केवल चर्चमान पद होते हैं चर्चमान पद होते हैं ऐसी बात नहीं है उदाहरण प्रत्युदाहरण ये समुदित व्याख्यान होता है जिससे कि हम शब्दों को जानते हैं तो शब्द की अप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति माने ज्ञान अप्रतिपत्ति माने अज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा ये दोष दिया ये दूसरा दोष होगा सूत्र को व्याकरण मानने में शब्द क्या व्याकरणत्व निराकृत होने के बाद सूत्र का व्याकरण निराकृत होने के बाद का तरी शब्द कह तब शब्द को व्याकरण मान लो कह शब्द को व्याकरण मानने में भी दोष है कह शब्द को व्याकरण मानने में वो दोनों दोष हट जाएंगे क्या कह शब्द को व्याकरण मानने में ष्ठर्थान रूप दोष तो नहीं होगा क्यों क्योंकि शब्द सब्त की शब्द को व्याकरण माने तो व्याकरण से सूत्रम माने शुद्ध उपास्य व्याकरण से शब्द लिया गया शुद्ध उपास्य इत्यादि तो उसका सूत्र तो यह प्रयोग बन सकता है तो ष्ठर्थान रूप दोष नहीं होगा शब्द को व्याकरण मानने में शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष के शब्दा प्रति प्रतिपत्ति रूप दोष तो जस का तस विद्यमान ही रहेगा क्यों क्योंकि तो शब्द की प्रतिपत्ति शब्द से नहीं होगी शुद्ध से शब्द की प्रतिपत्ति व्याख्यानादि से होगी तब जाकर के जो है शब्द का ज्ञान होगा उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्या इत्यादि जो हैं उनके द्वारा होगा इसलिए शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष तद तद्वस्थ है ये नागेश ने उद्योग में ये बात लिखी है कि पहला दोष सक्षरता उत्पत्ति रूप दोष शब्द को मानने में नहीं होगा लेकिन शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष तो तद्वस्थ ही रहेगा फिर कहा कि शब्द को तब व्याकरण मान लो जब एक दोष चला गया एक ही दोष है तो मान लो शब्द को व्याकरण तो कहा कि शब्द को व्याकरण नहीं मान सकते शब्द तो को व्याकरण मानने में नए तीन दोष आ जाएंगे एक शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष तो जो है सो तो है और तीन नए दोष आ जाएंगे कह कौन कौन तीन नए दोष होंगे का का तो क्या भाज्यकार ने कहा था, शब्द को व्याकरण मानने में शब्द को यदि व्याकरण मानोगे तो लुडरथानुपत्ति लुट के अर्थ की अनुपत्ति होगी शब्दे लुडरथा भाज्यकार ने कहा दूसरा दोष दिया भवे चित शब्द को व्याकरण मानने में शब्द को व्याकरण मानने में तीसरा दोष दिया प्रोक्तादय प्रोक्तादय तदिता तद्य। ये तीसरा दोष दिया ये तीन दोष है भवे तद्धित प्रोक्तादय और शब्दे ये पहले दोष दिया आइए इनको समझते हैं शब्दे लुटर्थ का मतलब है कि व्याकरण शब्द में लुट प्रत्यय किया गया है बी आंग उपसर्क पूर्वक क्री धातु से करणाधिकरण सूत्र से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करके व्याकरण शब्द बनता है बी प्लस आ प्लस क्री प्लस लुट यू अन मिलाने पर व्याकरण ये जो लुट हुआ है एक करण अर्थ में हुआ है करणाधिकरण व्याकर ऐसी व्यत्पत्ति करके करण अर्थ में लुट प्रत्यय करके व्याकरण बनता है तो व्याकरण का अर्थ क्या होगा बी आंक्रिका अर्थ हुआ व्याकृति लुट का अर्थ हुआ करण इस प्रकार से व्याकरण का अर्थ हुआ व्याकृतिकरण व्याकृति के करण को व्याकरण कहते हैं ये व्याकरण शब्द का शाप्ति कर चुका तो व्याकृति के करण को करण माने साधन तो व्या व्याकृति के करण साधन को कर, व्याकरण कहते हैं असाधु शब्दों से साधु शब्दों को जिनके द्वारा अलग किया जाए उनको व्याकरण कहते हैं तो शब्द जो है शुद्ध उपास्या जो शब्द है वो शब्द क्या असाधु शब्दों से अपने को अलग करेगा क्या शब्द के द्वारा शब्द अलग नहीं किए जाते हैं अपित तो सूत्र के द्वारा शब्द अलग किए जाते हैं सूत्र बताता है कि शुद्धि उपास्य इस असाधु से शुद्ध उपास्य की साधुता बता बताई जाती है डो इस सूत्र से गावी गोता गोपो से गौ की साधुता बताई जाती है तो सूत्रों से हम देखें कि गमेर डो न, जो सूत्र है उन सूत्रों से साधुता बतलाई जाती है वो जो सूत्र है वो सूत्र शब्दों की साधुता को बताते हैं शब्द जो है शब्द को असाधु शब्दों से साधु शब्दों को अलग नहीं करता है सुत्यु पास से स्वयं अपने को असाधु शब्दों से अलग नहीं कर पाते। कर पाएगा गौ असाधु शब्दों से अपने को साधु बता नहीं बता सकता सूत्र गमे डो बताएगा इकोएच बताएगा तो सूत्र के द्वारा सूत्र में व्याकृति करणता है शब्द में व्याकृति करणता नहीं करणता नहीं है व्याकरण शब्द का जो व्याकरण शब्द में जो साधन रूप जो अर्थ करण प्रत्य करण अर्थ में जो लुट लुट प्रत्यय का जो अर्थ करण उस करण माने साधन करण माने साधन रूप जो अर्थ है लुट प्रत्यय का वो लुट प्रत्यय के अर्थ की संगति नहीं बन पाएगी यदि शब्द को व्याकरण मानेंगे तो ये सब्तेथा का मतलब है कि व्याकरण शब्द करण साधन पर करण साधन पर कह और शब्द में व्याकृत करणता नहीं है सूत्र में व्याकृत करणता है सूत्र के द्वारा अलग किए जाते हैं साधु शब्द सब साधु शब्द स्वयं अपने को अलग नहीं करते हैं इसलिए शब्दे था ये पहला दोष दिया दूसरा दोष दिया भवे चित एक शब्द है वैयाकरण वैयाकरण शब्द साधु है व्याकरण कहते हैं कि व्याकरणे भवो योग अवैयाकरण व्याकरणे भव अवैयाकरण तत्र भव से अणप्रत्यय करके व्याकरण शब्द से अणप्रत्यय करके ऐच का आगम करके तदिताधिकार करने कर के बाद व्याकरण शब्द बनता है व्याकरण में व्याकरण का अर्थ है व्याकरण भाव योग अवैयाकरण तो व्याकरण में भव योग शब्द में भव योग होता है क्या व्याकरण का सूत्र में भव योग होने पर वैयाकरण कहलाता है सूत्र के के साथ जिनका संबंध होगा सूत्र में भवयोग होगा शब्द में भवयोग तो अवैयाकरणों का भी होता है इसीलिए भाषकार ने इसके पहले प्रयोगे सर्वलोकस से दोष दिया तो सूत्र के साथ भवयोग होने पर ही वैयाकरण कहलाता है व्याकरण भवयोग अवैयाकरण ये प्रयोग बनता है लेकिन जब सब व्याकरण सूत्र मानोगे तो व्याकरण तो भव योग माने सूत्रे भव योग करना व्याकरण शब्द बना दिए तो शब्दे भवो योग व्याकरण भवो योग माने व्याकरण के स्थान पर शब्द रखो तो व्याकरण भावयोग योग माने शब्दे भावयोग भाव योग भाव भाव योग करना तो शब्द में भावयोग योग होने पर वैयाकरण होता है क्या शब्द में योग होने पर वैयाकरण नहीं कहलाता है बल्कि वैयाकरणों से अच्छा योग अवैयाकरणों का होता है साहित्यिकों का होता है मीमांसकों का होता है योग तो उनका शब्दों के साथ शब्दों में है तो व्याकरण भव योग वैयाकरण जो बनता है वो नहीं बन पाएगा ये दूसरा दोष दे दिया तीसरा दोष दिया कि यदि शब्द को व्याकरण मानोगे तो प्रोक्तादेयश्च धिताह ये तीसरा दोष होगा प्रक्तादी अर्थ में तद्धित प्रत्यय नहीं हो पाएंगे अर्थात प्रक्त अर्थ में एक बनता एक प्रयोग बनता है पाणिनिना प्रोक्तम पाणनीयम काश कृष्ण न प्रोक्तम काश कृष्णम आप इसले न प्रोक्तम आप इसलम तो सब में प्रोक्तम तो पाणिन से प्रत्यय हो जाता है अर्थ प्रोक्त अर्थ में काश कृष्ण शब्द से प्रोक्त अर्थ में अण प्रत्यय करके काश कृष्णम पाणनीयम व्याकरणम काश कृष्णम सूत्रम इसलम सूत्रम अण प्रत्यय हुआ है काशकृत्नम आप में पाणनियम में प्रत्यय हुआ है तो अब दिया तेन प्रोक्तम से अर्थात उसके अधिकार में प्रत्यय हुआ है तो पाणिनि में पाणनीय में तो पाणनी ने ने क्या कहा है पाणिनि पाणिनिरोने सूत्रम काशकृष्ण ने न प्रोक्तम काश काश कृष्ण माने सूत्रम कृष्ण के द्वारा कहा गया जो सूत्र पाणिनि के कहा द्वारा कहा गया जो सूत्र आप इसल के द्वारा कहा गया जो सूत्र आप इसलम तो पाणिनि का कृष्ण आप इसल ने शब्द नहीं कहे हैं लक्ष्यों को नहीं कहा है उन्होंने सूत्रों को बनाया है लक्ष्यों को देख करके वो ऋषि है और लक्ष्य के चकचूस है लक्ष्य को देख करके लक्षण बनाए हैं तो लक्षण उनके द्वारा कहा गया है सूत्र उनके द्वारा कहा गया है उनके द्वारा शब्द नहीं कहे गए हैं तो कहा कि यहाँ पर पाणनियम सूत्रम काशकृष्णम सूत्रम आप इसलम सूत्रम उन्होंने प्रोक्त अर्थ में कहा गया है अब जो है उन्होंने चूंकि शब्द को नहीं कहा गया है तो पाणनियम काश कृष्णम आप इसलम अब नहीं बन पाएगा ये तीसरा दोष दे दिया तो शब्द को व्याकरण मानने में शब्दे लुढ़र्थ पहला दोष भवे चतुर्धिता दूसरा दोष अप्रोक्ता देश तीसरा दोष इन तीन दोषों से ग्रस्त होने के कारण हम सूत्र को भी व्याकरण नहीं मान सकते तो इस प्रकार से शब्द सब, को व्याकरण मानने में तीन दोष और सूत्र को व्याकरण मानने में दो दोष भाष्यकार ने शब्द पक्ष में जो पहला दोष है शब्देडर्थ उस दोष का समाधान कर दिया कहा कि शब्द को व्याकरण मानने में शब्द उडर्थ जो दोष है वो दोष नहीं हो सकता कहा क्यों कहा कि शब्दुडर्थ ये दोष तब होता जब हम करण अर्थ में ही लुट प्रत्यय होता अन्य कारकों में भी लुट प्रत्यय होता है जैसे प्रस्कंदनम प्रपतनम तो प्रपतनम प्रपत असमाद प्रपतनम प्रपतनम प्रपात तो अपादान अर्थ में भीमादेव अपादाने अपादान अर्थ में यहाँ प्रपतनम में लुट प्रत्यय हुआ है कृत्य लुटो बहुलम से तो प्रस्कंदनम में भी उसी प्रकार से तो प्रस्कंदनम प्रपतनम यहाँ पर जिस प्रकार से अन्य करण अधिकरण से भिन्न अर्थ में भी लुट प्रत्यय देखा गया है उसी प्रकार से व्याकरण शब्द में भी जो है हम करण अर्थ में लुट प्रत्यय नहीं करेंगे जब करण अर्थ में लुट प्रत्यय होता था व्याकरण में मानते हैं तो व्याकृति का करण शब्द नहीं है करणता शब्द में नहीं है व्याकृति साधनता करण में नहीं है शब्द में नहीं है व्याकृत करण शब्द नहीं है लेकिन जब व्याकर जे ते व्याद व्याक्रियते यद व्याकरण यदि बना दें कर्म अर्थ में लुट प्रत्यय कर दें तो ब्या, ब्याक्रिति तो व्या जिसको व्याकृति किया जाए तो किसका व्याकृति किया जाता है पृथककरण किसको किया जाता है शब्दों को तो व्याक्रियते यद व्याकरणम कर्म अर्थ में हम लुट प्रत्यय कर लेंगे तो शब्द भी व्याकरण हो सकता है एक बात अर्थात अन्य कारकों में भी लुट प्रत्यय जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से व्याकरण में हम करण से भिन्न कर्म अर्थ में लुट प्रत्यय कर देंगे व्याकर व्याकरणम तो वहां पर लुट उत्पत्ति रूप दोष नहीं होगा क्योंकि कर्म लुट प्रत्यय की है और कर्म शब्द है व्याकृति का कर्म शब्द का कर्म शब्द होगा तो इसलिए शब्द व्याकरण हो सकता है एक समाधान दूसरा समाधान दिया कि यदि करण अर्थ में लुट प्रत्यय कथन मान भी लो तो भी लुटरथानुपत्ति रूप दोष नहीं होगा कहा क्यों नहीं होगा कहा लुटरथानुपत्ति रूप दोष क्यों नहीं होगा करण अर्थ में लुट प्रत्यय मानने पर कहा इसलिए नहीं होगा कहा कि शब्द भी अपने को अलग करता है शब्द के द्वारा भी शब्द अलग किए जाते हैं जैसे गौ शब्द भी अपने से अन्य शब्दों से अलग करता है गौ इत्युक्ते गौ यदि कह दिया तो प्रतीत होता है नाशुन गर्दभा तो अश्वगर्धा गर्दभादी शब्द से गौ शब्द ने अपने को अलग कर लिया तो शब्द ही शब्द पृथक क्रियंत ये भाच्यकार ने कहा कि शब्द के द्वारा भी शब्द अलग किए जाते हैं सर्व गौ इतुक्त सर्वो संदेह सर्वो संदेह संदे निवर्तते कह गौ कह दिए सभी संदेह निवृत्त हो गया ना सो नगर शब्द के द्वारा भी शब्द अलग किए जाते हैं तो शब्द में भी व्याकरण करणता है तो लुडर्थ की सिद्धि व्याकरण शब्द को यदि हम करण अर्थ में मान भी ले तो भी कोई दोष नहीं होगा इसलिए शबर्थ ये दोष जो है शब्द को व्याकरण मानने में ये दोष नहीं होगा तब कहा कि रूढ़र्थानुपत्ति रूप दोष भले न हो लेकिन भव्य तद्धित ये दोष तो जस्क विद्यमान ही है और पहला दोष भी शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष तो है ही तदवस्थ इस प्रकार से इन दोषों के कारण शब्द को व्याकरण नहीं मान सकते और सूत्र को व्याकरण नहीं मान सकते क्योंकि ष्ठर्थान रूप दोष है शब्द प्रतिपत्ति रूप दोष तो है ही उन दो उन दो दोषों के कारण सूत्र को भी व्याकरण हम नहीं मान सकते तो न शब्द भी व्याकरण हो सकता है न सूत्र व्याकरण हो सकता है तो कस्तरी ही व्याकरण तो शंका हुई कि व्याकरण है क्या व्याकरण पद का अर्थ तब होगा क्या तो भाष्कार ने सिद्धांत तो बताते हुए कहा कि लक्ष्य लक्षण व्याकरणम लक्ष्य और लक्षण एक समुदित व्याकरण है लक्ष्य समुदित व्याकरणम लक्ष्य लक्षण का जो समुदाय है वो व्याकरण होता है तो समुदाय क्या हुआ लक्ष्य लक्षण का समुदाय व्याकरण है उस व्याकरण का सूत्र तो अवय उसका सूत्र है ही उस समुदाय का अवयो सूत्र है तो व्याकरण से संगति भी हो जाएगी और कोई दोष नहीं होंगे इस प्रकार से जो है लक्ष लक्षण व्याकरणम इसको मानना चाहिए लक्ष्य क्या है कि लक्षो शब्द कई लक्षण क्या है कई लक्षण सूत्रम शब्दों लक्ष्य लक्षणम सूत्रम इस प्रकार से शब्द और सूत्र का जो समुदाय है वो व्याकरण होता है इस बात को बताते हुए भाष्यकार ने कहा कि लक्ष्य लक्षण व्याकरणम लक्षण च समुदित व्याकरणम लक्ष्य और लक्षण ये समुदित व्याकरण होता है इस प्रकार से पहला सिद्धांत आ गया कि व्याकरण जो है लक्ष्य लक्षण के समुदाय को व्याकरण मान लो लक्ष्य लक्षण व्याकरणम ये पहला सिद्धांत हुआ भाष्यकार ने इसमें भी दोष दिया भाष्यकार ने कहा यदि लक्ष्य लक्षण समुदाय को व्याकरण मानोगे तो अवयव में व्याकरण शब्द का प्रयोग नहीं हो पाएगा मतलब अवयव में भी व्याकरण व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है केवल सूत्र में भी व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है अर्थात केवल सूत्र का जो अध्ययन करता है उसको भी वैयाकरण कहते हैं सूत्राण चाप्यधियान वैयाकरण इसे केवल तो सूत्र मात्र का जो अध्ययन कर रहा है उसको भी वैयाकरण कहना इष्ट है केवल वृद्धिराद अध गुण इको गुण वृद्धि इत्यादि जो सूत्रों की आवृत्ति मात्र करता है अध्ययन करता है उनको भी वैयाकरण हमको इष्ट है कहना वो भी वैयाकरण है तो सूत्रान चाप्यधी आन सत्य वैयाकरण अब वो नहीं होगा क्योंकि समुदाय समुदित व्याकरण है तो समुदाय में जो प्रवृत्त शब्द है लक्ष लक्ष व्याकरण शब्द लक्ष्य लक्षण समुदाय में जिसका प्रयोग होना चाहिए अब केवल सूत्र मात्र में उसको हम व्याकरण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते केवल व्याकरण जो है केवल सूत्र मात्र का अध्ययन करने वाला भी व्याकरण कहलाना चाह कहला, कहलाता है सूत्र सूत्र मात्र में व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है इसलिए सूत्र मात्र व्याकरण शब्द का प्रयोग होगा तभी सूत्र तो मात्र का जो अध्ययन करेगा उसको वैयाकरण हम कह सकते हैं अन्यथा नहीं कह सकते तो अब इस सूत्र मात्र का अध्ययन करने वाले को अब वैयाकरण नहीं कह सकते जो इष्ट प्रयोग है कि भैया समुदाय समुदाय में जो प्रवृत्त शब्द है उनकी अवयव में अब सिद्धि नहीं हो पाएगी ये दोष दिया इस सिद्धांत पक्ष में भी तो कि नहीं जी ये कोई दोष नहीं है ये आपने जो ये जो, जो दोष जो दो, दिया कि समुदाय प्रवृत्त शब्द अवयव में नोपद्धते समुदाय में जिसकी प्रवृत्ति होती है वो अवयव में उसको वो नहीं हो पाएगा ये दोष नहीं होगा क्या क्यों नहीं होगा कि समुदाय में प्रवृत्त शब्द भी अवयव में प्रयोग होता है कहा जैसे पूर्वे पंचाला क्या भैया पंचाल शब्द जो है पंचाल शब्द पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो पंचाल देश में विद्यमान होंगे उनके लिए प्रयोग किया जाता है तो पंचाल हुआ पूर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा समुदाय पंचाल है तो है, उत्तरी सब... उत्तरे है, तो कह यह पंचाल शब्द अब पूर्वी पंचाला यह प्रयोग होता है उत्तरे पंचालाह प्रयोग होता है तो केवल पूर्व पंचाल देश में भी पंचाल का प्रयोग हुआ उत्तर ए, एक देश में भी पंचाल शब्द का प्रयोग हुआ जो पंचाल शब्द पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे में भी जिनका प्रयोग होना चाहिए उस पंचाल शब्द का केवल पूर्व पंचाल में भी प्रयोग हो गया पूर्व पंचालाह उत्तरे पंचालाह एक बात दूसरी बात तैलम भूंगतम धृतम भूंगतम कि आप गए थे वहाँ पर खाने के लिए क्या आप खाए अरे तेल तेल ही खाया तैलम भुगतम करे घी घी था घी घी ही खाया घृतम भुगम भुगतम तो तैलम भुगतम घृतम भुगतम तेल तेल ही खा लिया घी घी ही खा लिया तो आप केवल घी नहीं खाए थे केवल तो तेल तेल तेली नहीं खाए थे तेल से मिश्रित पदार्थ जो समुदाय था उसको खाए थे उस लेकिन उस समुदाय में भी आपने कह दिया तैलम भूमतम एक देश में प्रयोग किया उस समुदाय में आपने कहा घृतम भूमतम घृत मिश्रित पदार्थ में घृतम भूमतम घृतम भुगतम तो घृतम भुगतम तैलम भुगतम यहां पर आपने क्या किया केवल घृत मिश्रित पदार्थ में केवल घृत का प्रयोग किया ते, आ, तेल मिश्रित पदार्थ में केवल तेल का प्रयोग किया इस प्रकार से पता चलता है कि समुदाय में जो प्रवृत्त शब्द होते हैं उनकी अवयव में भी उनका प्रयोग होता है इस प्रकार से समुदाय प्रवृत्त अवयव अवय अवय नोप पद्धतें सूत्रान चापीन स्थिति वैयाकरण जो सूत्र मात्र का अध्ययन करता है उसको भी वैयाकरण कहना इष्ट है ये दोष हो रहा था वो दोष अब नहीं रह गया क्योंकि तो अवयव में प्रयोग किया जा सकता है इसलिए कोई दोष नहीं है इस प्रकार से लक्ष्य लक्षण व्याकरणम इसको सिद्धांत करने के पश्चात भाष्यकार अब सूत्र सूत्रम व्याकरणम इस पक्ष को भी सिद्धांत करना चाहते हैं और उन्होंने कहा अथ इस बात को बताते हुए भाष्यकार कहते हैं अथवा पुनरस्तु सूत्र सूत्र मात्र भी व्याकरण मान लो कभी या सूत्र मात्र को व्याकरण मानने में दो दोष दिया था सूत्र व्याकरण नोप पद्यते सूत्र को व्याकरण मानने में उत्पत्ति रूप दोष था सूत्र को व्याकरण मानने में शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष था कि नहीं जी सूत्र को व्याकरण ब्या, मानने में उत्पत्ति रूप जो दोष दिया था वो दोष नहीं हो सकता कहे व्याकरणस्य सूत्रम यहाँ पर अभेद में ष्ठी है कह जिस प्रकार से राहु सिर यहाँ पर अभेद में ष्टी हुई है उसी प्रकार से व्याकरणस्य सूत्रम यहाँ पर भी अभेद में ष्ठी हुई है राहु और सिर एक ही चीज है सिर का नाम ही राहू है राहू ही सिर है लेकिन भाषाकार ने भाषाकार प्रयोग करते हैं राहु सिर तो राहु और सिर जब एक ही है तो राहु सिर ये भाषाकार प्रयोग कैसे करती है तो जिस प्रकार से भाषाकार ने राहु सिर यहाँ पर अभेद में ष्टि मानी है दोनों के एक होने पर भी षष्ठी मानी है उसी प्रकार से व्याकरण से सूत्रम यहाँ पर भी व्याकरण और सूत्र को एक होने पर भी व्याकरण सूत्र एक होने पर भी अभेद में ष्टि हो सकती है ष्ठरता रूप दोष नहीं होगा इस पर किसी कोई कहता है इस पर किसी ने प्रश्न किया कि भाष्यकार ने राहु सिरा यहां यहीं पर अभेद में ष्टी कैसे कर दिया ष्टी तो भेद में होती है यह सिद्धांत है तो भेदावस्था के बिना ष्ठी कैसे होगी राहु सिरा में राहु का ही नाम तो सिर है सिर ही तो राहु है राहु सिर का नाम ही तो राहु है राहु ही तो सिर है तो कैसे भाष्यकार वहां पर अभेद में सृष्टि कर दिए राहु सिरा प्रयोग कैसे कर दिए तो इसका उत्तर देते हुए टीकाकारों ने लिखा है कि अनेक अवस्था युक्त जो होता है वो राहु है अनेक अवस्था युक्त हो और एक अवस्था युक्त है सिरह अनेक अवस्था युक्त जो होता है वो राहु है राहु अनेक अवस्था में से युक्त है और सिर जो है एक अवस्था युक्त है जो कट गया सिर सुदर्शन चक्र से चला और कट गया सिर तो जो सिर है वो एक अवस्था में हो गया तो एक अवस्था युक्त है सिर तो अनेक अवस्था युक्त जो राहु है उसका अवयव सिर एक अवस्था युक्त सिर इस प्रकार से दोनों में भेद व्याख्या करके भेद व्यवहार की उत्पत्ति करके भारत ने वहाँ भेद का उत्पादन करके ष्ठी किया है इस प्रकार से राहु सिरह यहाँ पर भेद में ष्टी हुई है क्या जब वहाँ भेद में ष्टी है तो व्याकरण यहाँ भेद में षठी यहाँ भेद का उत्पादन कैसे होगा राहु सिरा इतिवत षष्ठी कहते हैं तो राहो सिरा में तो भेद का उत्पादन हो गया अनेक अवस्था युक्त जो है राहु है राहु पदार्थ राहु शब्दार्थ और एक 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 अवस्था युक्त सिर पदार्थ सिरह पदार्थ के जब वहां पर भेद हो गया राहु सिरह में तो व्याकरण से सूत्र में भेद का उपाद उपादन कैसे होगा तब कहते हैं कि यहाँ पर भी भेद है कि व्याकरण जो है ना व्याकरण माने व्याकृति का करण और सूत्र माने जो समुदाय सूत्र सूत्रपदेन समुदाय रूपता गृह थे तो व्याकृतिकरण का जो समुदाय व्याकृतिकणम पृथक समुदाय रूप पृथक इतवा मध्य भेद व्याकृति और करण व्याकृतिकरण व्याकरण शब्द का अर्थ हुआ और सूत्र जो है वो समुदाय रूपता है इस प्रकार से यहाँ पर भी भेद मान करके व्याकृति क्रिया के करण का जो समुदाय सूत्र समुदाय ऐसा भेद व्यक्षा मान करके व्याकरण से सूत्र यहाँ पर षठी हो जाएगी कोई दोष नहीं है व्याकरण से सूत्रम यहाँ पर सष्ठानुपत्ति रूप दोष नहीं नहीं होगा इसी बात को बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि व्यपेश भावे न षठी भविष्य थी भाव से ष्ठी हो जाएगी कोई दोष नहीं है अब प्रश्न हुआ कि षर्थानुपत्ति रूप दोष भले न हो सूत्र को व्याकरण मानने में शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष दिया था व्याकरणात शब्दानुप्रतिपत् व्याकरण शब्द शब्द मात्र से हम शब्दों को नहीं जानते हैं व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्या में शबदान शब्दात शब्दान प्रतिपद्या में नहीं कह सकते तब कह रहे हैं कि नहीं जी शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष भी नहीं होगा क्या शब्दा प्रतिपत्ति रूप दोष क्यों नहीं होगा क्या इसका हमने समाधान कह दिया कि तदेव सूत्रम विगृहित तदेव सूत्रम विगृहित व्याख्यानम भवति व्याख्यान से हम शब्दों को जानते हैं तो व्याख्यान है क्या तदेव सूत्रम विग्रहीतम व्याख्यानम भवती वही सूत्र का विग्रह कर दीजिए इको यण यी वही व्याख्यान हो गया तो कहे भैया पहले कह दिए थे कि विग्रहीत ही व्याख्यान नहीं हो सकता है कहे कि जो नहीं जानता है उसके लिए उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्या इत्यादि समुदित व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती है जो नहीं जानता है जो जानने वाला जो जानने वाला है उसके लिए केवल सूत्र मात्र से ही वो शब्द तो को जान जाता है जैसे गुरु जी लोग क्या करते हैं गुरु जी लोगों के लिए इको एडस में आपको बताना पड़ेगा क्या इक स्थान में यण होता पर हो, हो संगीता के विषय में शुद्ध पाद से उदाहरण है इत्यादि गुरु जी लोग तो इको यण से ही जान जाते हैं तो अभिचार्यता एतादम जो नहीं जानता है उसके लिए उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्यार इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है लेकिन जो जानता है उनके लिए नहीं है और केवल सूत्र मात्र से ही वो शब्दों को जान जाता है तो व्याकरणात्तिपद्यामह माने सूत्रात् शब्दान प्रतिपद्या आप कह सकते हैं और उसमें एक हेतु और भाषकार देते हैं कि इसलिए भी आप सूत्र मात्र को व्याकरण मानिए क्योंकि केवल सूत्र मात्र जो है इसलिए भी व्याकरण है कि सूत्र का अतिक्रमण करके कोई बात करता है तो वो प्रामाणिक नहीं होता है जो ही उत सूत्र कथहेत कथहित ना दो तो जो सूत्र का अतिक्रमण करके बात करता हो सूत्र का उल्लंघन उत सूत्र मान सूत्र का उल्लंघन करके जो शब्द की सिद्धि करता हो तो वो उसके बात का ग्रहण नहीं किया जाता इसका मतलब सूत्र से ही जो बात निकले उसी के सहारे ही कार्य करना चाहिए इस इसलिए भी सूत्र मात्र व्याकरण है इस प्रकार महाभारत ने अथ व्याकरणम इत कह पदार्थ इतिसायाम लक्ष लक्षणे व्याकरणम्, लक्ष लक्ष लक्ष्यम् लक्षणंच लक्ष 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 इत्येतत् समुदितम् व्याकरणम् भवति, इति प्रथमहसिद्धान्तः प्रतिपादितः तथा च सूत्रम् व्याकरणम् इति पक्षोभी समर्थितः सिद्धांत रूपेण स्वीकृत सूत्र मात्र को भी व्याकरण मान सकते हैं सूत्र मात्र के व्याकरण स्वीकार करने पर जो दो दोष थे उन दोनों दोषों का भाष्यकार ने समाधान कर दिया इसलिए व्याकरण पदार्थ हुआ लक्ष्य लक्षण व्याकरणम और सूत्रम दो समाधान हो गया आज इतना ही और फिर अग्रिम कक्षा में एक आपका बड़ा प्रश्न और रह गया उसको मैं आपका कर दूंगा तो आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा अत की मर्थों वर्णा नाम उद्देश्य विचार हम बाद में करेंगे इसके करते ही आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा शास्त्रीय तिथि वर्ष का पंचम अस्तु